सिख कौम ते होए जुल्मां दी दास्तान नूं बयान करता है वड्डा घल्लूघारा। गुरु प्यारी साध संगत जी, वड्डा घल्लूघारा सिख कौम की आन अते शान नूं बचाउण लई कीतियां गईयां कुरबानियां दा प्रतीक है। अजे शहीदां दीयां कुरबानियां सदका ही अज असीं अपने विरासत ते माण करदे हां। इस वड्डे घल्लूघारे विच शहीद होए सिंघां सिंघणियां चंगियां दी याद विच कुपर हीड़े विखे बनाई गई पंजाब सरकार वल्लों यादगार एक विरासती समारक है, जिस नूं देख के सानू हमेशा ही अपने शहीदी विरसे दी याद जड़ी है वो नज़र आंदी हुई प्रतीत हुंदी है। आओ इस विरासती स्थान दे दर्शन दीदारे करिए ते अपना जीवन सफल करके उन्हां महान शहीदां नूं अपनी श्रद्धा ते सत्कार भेट करिए जिन्हां ने सिख धर्म दी आन बान शान नूं कायम रखदिआं होइआं अपनी सिक्खी सिदक ते दलेरी दा ओ नवीं मिसाल पैदा कीती, जिस नूं देख के साडियां आण वालियां पीढ़ियां वी अपने आप ते गर्व महसूस करदियां ने कि असी उन्हां दे वारस हाँ। आओ शहीदी स्मारक दे दर्शन दीदारे करिए। इतिहासक पिंड कुप अते रहीड़ा नेड़े नेड़े स्थित हैं। रहीड़ा कुप तो 3 किलोमीटर उत्तर वल है, पर इतिहास अंदर दर्ज है पहला ये पिंड इको थां ते सी। घल्लूघारे तो बाद थोड़े फासले ते मुड़ वस गए हैं। ये दोवें पिंड लुधियाना तो तकरीबन 35 किलोमीटर की दूरी ते मलेरकोटले वल धुरी रेलवे लाइन के उपर स्थित हैं। मलेरकोटले ते अहमदगढ़ दोवां स्टेशनां दे दरमियान ये पिंड स्थित हैं। कुपकलां स्टेशन वखरा है ते रहीड़ा रेलवे स्टेशन शहीदां दी याद विच शहीदगंज यादगार वड्डा घल्लूघारा दे नाम नाल प्रसिद्ध है। पहलां ये दोवें पिंड रियासत मलेरकोटला विच सन, हुण ये जिला संगरूर विच स्थित हैं। घल्लूघारा शब्द दे अर्थ हैं तबाही कारती सर्वनाश आदि, पर सिख चिंतन विच इस शब्द दा जिक्र आउंदिआं ही उन्हां दे अत प्रभाव वाले पलां दी याद ताजा हो जांदी है। जदों समें दीआं निर्दयी ताकतां वल्लों परमात्म की मौज विचों प्रगटी फौज खालसा पंथ नूं संसार दे नक्शे तों सदा लई मेट देण दीआं असफल कोशिशां कीतीआं गईआं। वड्डा घल्लूघारा 18वीं सदी दे इतिहास दीआं प्रमुख घटनावां विचों एक है। भावें छोटे घल्लूघारे तों बाद पंजाब विच सिखां दे खत्म हो जाण दीआं अफवाहां फैल गईआं सन, पर 5 फरवरी 1762 नूं वापरे वड्डे घल्लूघारे नूं सिख इतिहास अंदर एक ही दिन विच होए सब तों वड्डे जानी नुकसान दे तौर ते याद कीता जांदा है। इस दिन अहमद शाह अब्दाली सूबा सरहद नवाब मलेरकोटला ਅਤੇ ਦੀਵਾਨ ਰਾਏਕੋਟ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਭਗ 30,000 ਸਿੰਘ ਸਿੰਘੜੀਆਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੁਲਤਾਨ ਉਲ ਕੌਮ ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਲੂਵਾਲੀਆ, ਸਰਦਾਰ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ, ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ, ਸਰਦਾਰ ਚੜ ਸਿੰਘ ਸ਼ੁਕਰ ਚੱਕੀਆ ਆਦਿ ਆਗੂ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਮੋਰਚਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈਂਦਾ ਦੇਖਦੇ ਉੱਥੇ ਤੁਰੰਤ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ। ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕੇਵਲ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੰਦੇ ਬਲਕਿ ਆਪ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦੇ। ਕੁਝ ਕੁ ਹਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਅਬਦਾਲੀ ਦੀਆਂ ਲੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਫੌਜਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੁਆਰਾ 1,25,000 ਨਾਲ ਇੱਕ ਲੜਾਉ ਦੇ ਜੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਾਲ ਅੜੇ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਵੀ ਸਖਤੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਵੱਡੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਮੁੜ ਸੰਗਠਨ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਹਿੱਤ ਸਰਹੰਦ ਅਤੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਫੌਜਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗ ਸਜਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ
मौजूद कलानौर विखे बैठे अब्दाली की जरूरत नहीं पई कि वह अपने फौजदारां की मदद लई पहुंच सके। खालसाई ताकत नूं पहचानदिआं अब्दाली ने उसे साल दिवाली मौके अमृतसर विखे 71 सिंघां पास लाहौर की सूबेदारी की पेशकश करदिआं सुलाह लई अपने आदमी भी भेजे। सो वड्डा घालूघारा सिख इतिहास का वह एक मील पत्थर है जिसने एक नवे इतिहास की सृजना की। अहमद शाह अब्दाली के गोडे लवा दिते। कोपर हीड़े का यह जंग का मैदान अपने आप च एक अहम मैदान गिणिया जाता है इतिहास में, क्योंकि हर एक सिख ने अपना पूरा ताणा ला के यह युद्ध लड़िया। सिंघां ते काबू पैंदा ना वेख के अहमद शाह अब्दाली युद्ध विचों वापस चला गया। मीलां दीआं लोथां खिलरियां पईआं सन। शहीद होए सिंघां दे सिरां ते 50 गड्ढे भर के अहमद शाह अब्दाली लाहौर लै गया ते उत्थे जा के उसने सिरां दे मीनार उसार दित्ते। सो ये युद्ध एक ऐसा युद्ध सी जिसने सिखी सोच नूं मरण नहीं दिता, बल्कि सिखां दे विच एक जोशीली स्पिरिट पैदा करके मुड़ रणतत्ते विच जुड़न दा अहद दिता। सो आओ संगत जी, इन्हां शहीदां दी लसानी कुरबानी नूं सजदा करिए अते इस विरासती स्मारक विच आ के उन्हां नूं अपने श्रद्धा सत्कार दे फुल अर्पित करिए। सिर जावे ता जावे, मेरा सिखी सिदक ना जावे दे सिद्धांत ते डट के जिन्हां ने पहरा दिता। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मैं अमनदीप कौर फ्रॉम वड्डा घल्लूघारा कोपर हीड़ा शहीद स्मारक तो थोड़े नाल गलबात कर रही हाँ। यह स्मारक 35,000 शहीद सिंह सिंघणियां की याद में बनाया गया। इस स्थान की सिख धर्म के विच बहुत वड्डी महानता है। तो यह स्थान मनाने लई पंजाब सरकार ने एक बहुत वधिया उपराला किया है। इस स्थान तो असी अपने आने वाली पीढ़ी नूं, अपनी आने वाली जनरेशन नूं एक संदेश दे सकते हाँ कि साढ़े जिहड़े बजुर्ग सीगे उन्होंने किस तरह शहादतां दे के किस तरह अपने सिर दे के सिख धर्म नूं होंद विच लिआंदा। तो मैं पूरे पंजाबी भाईचारे नूं ते देशां विदेशां विच वसदे पंजाबी भाईचारे नूं एक अपील करदी हाँ कि एक बार जरूर इस स्थान पर विजिट की जाए ता जो असी अपने बच्चों नूं, अपनी आने वाली जनरेशन नूं इस स्थान की महानता ते साढ़े धर्म की महानता बारे जानकारी दे सकीए। ते पंजाब सरकार ने इस स्थान पर बहुत वधिया एक म्यूजियम तैयार किया है ते एक थिएटर तैयार किया है जिस तो असी अपने बच्चों नूं साढ़े सिख धर्म की साड़ी विरासत की चंगी तरह जानकारी दे सकते हाँ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सो प्यारे दर्शको, जिवें आप जी ने देखा है इस म्यूजियम दे विच ओ सारे साके दा वर्तारा जिहड़ा है बड़े खूबसूरत ढंग दे नाल पेंटिंग्स दे रूप दे विच अते थिएटर दे रूप विच दिखाउण दी कोशिश कीती गई है। सो मेरे समूह पंजाबियों नूं हथ जोड़ के बेनती है कि इस म्यूजियम दे विच वड्डा घल्लूघारे वाला म्यूजियम जिहड़ा है उस विच जरूर आओ, अपने बच्चों नूं लै के आओ तां कि उन्हां नूं अपनी अमीर विरासत नाल, अपने धर्म नाल ते विरसे नाल असीं जोड़ सकीए। क्योंकि इह जिहड़े म्यूजियम ने इह सानूं इक नवीं सेध दिंदे ने अपने धर्म प्रति, अपने समाज प्रति। सो अज दा इह जिहड़ा प्रोग्राम है इह स्पैशल असीं तुहाडे वास्ते फिल्मांकन कीता है तां कि आने वालियां पीढ़ियां अपने विरसे नूं पहचान सकन ते अपने विरसे नाल जुड़ सकन। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।